not Bhagwan, it is Bhagyavan. Yeah, using common what do you call it? Like slang, Hindi slang. Yeah. No, but hello. We're sorry, we can't give out the phone number. You'll have and at the moment we are unable to talk. So you'll have to send in a letter or an email to doctor at health@sabrasreiki.com. Okay. Thank you. Take care. Have a good day. Bye. After number three. जी हाँ, आपका अपना सबरस. और अब चलिए हम लौट कर आते हैं डॉक्टर राजीव वाधवा जी की तरफ. मिड मॉर्निंग शो में इस समय हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में. और ब्रेक से पहले हम कुछ बात कर रहे थे सिम्टम्स वगैरह की जी. और लम्स वगैरह की, गांठ, गिल्टी, कुछ भी कह लीजिए, इनके बारे में और किस तरह से संभावना रहती है कि अगर परिवार में किसी को रह चुका है ये, तो फिर मुमकिन है कि उसकी संभावना ज्यादा होती है. तो एक तरह से ये चीज भी विरासत में मिल सकती है. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, तो अब हम वहीं से अगर बात को पिक कर लें, क्योंकि बीच में मुझे लगता है थोड़ा सा हमारा ये बंधु रुक गए थे, तो जिन्होंने मिस कर दिया हो, अगर हम वहीं से पिक कर लें जी. तो सिम्टम्स की हम लोग बात कर रहे थे अंबर जी. तो सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम जो होता है कि एक लंप या गांठ या गिल्टी ट्यूमर, कुछ भी आप इसे कह लें, तो फील होता है ब्रेस्ट में. आमतौर पर ये पेनलेस होता है, इसमें कोई दर्द नहीं होती है. तो अगर ऐसी कोई गांठ आपको मिलती है जो कि आपको पहले नहीं थी, तो ये पता करने के लिए, जैसा मैंने कहा कि उसको बचाने के लिए हम लोग आगे भी बात करेंगे प्रिवेंशन में, तो लेडीज को पता होना चाहिए कि उनके ब्रेस्ट की नॉर्मल फीलिंग क्या होती है. तो अगर वो लगता है कि कोई नई गांठ है या कोई नई गिल्टी है या कोई साइज बढ़ रहा है किसी पुरानी लम्ब का, तो उन्हें फौरन अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए. फौरन का मतलब ये नहीं है कि वो इमरजेंसी में अभी अगले ही घंटे में उन्हें दिखाना है, अगले दो तीन दिन में अपॉइंटमेंट लेके वो दिखा सकते हैं जल्द से जल्द. जी जी, बट नॉट एज एन इमरजेंसी जी. तो वे अपने डॉक्टर को दिखाएं. और लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये अधिकतर गांठें जो होती हैं, अधिकतर लम्ब्स जो होते हैं, वो कैंसर नहीं होते हैं. तो इसलिए आपको एक तरफ जाना जरूरी है, उसे चेक कराना जरूरी है, लेकिन इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती. लम्ब के अलावा और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ब्रेस्ट में? से साइज या शेप में चेंज आ सकता है, क्योंकि अगर अंदर कोई ग्रोथ बहुत बढ़ रही है तो वो साइज या शेप को बदल सकती है. एक हम लोग डिम्पलिंग या थिकनिंग को कह सकते हैं कि स्किन में एक जगह पर स्किन में बहुत हार्डनेस हो सकती है, स्किन हार्ड हो सकती है जी. या उसमें डिम्पलिंग हो सकती है, उसमें छोटे छोटे स्पॉट्स पड़ सकते हैं, जैसा कि आपने संतरे की स्किन को देखा होगा, ऑरेंज को संतरे के ऊपर जो छोटे 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 उसमें गड्ढे होते हैं जैसे जी, तो वो डिम्पलिंग आ सकती है उसमें. निपल्स जो होते हैं वो इन्वर्टेड हो सकते हैं, अंदर की तरफ जा सकते हैं और बाहर की तरफ ना होने के बजाय. कई बार निपल्स में से डिस्चार्ज होने लगता है, जो खून भी आ सकता है. एक रेयर होता है कैंसर ब्रेस्ट का, जिसे हम पेजेट्स डिजीज ऑफ कैंसर कहते हैं, उसमें निपल के अराउंड एक रैश हो जाता है. तो कई बार शुरू में लगता है कि ये कोई ऐसे ही रैश है या कोई एक्जिमा टाइप की इलनेस हो गई है, लेकिन अगर वो नहीं जाती है तो उसके ऊपर काफी शक होता है. तो अगर आपको ब्रेस्ट की निपल के आसपास कोई रैश है, उसमें इचिंग होती है या एक्जिमा जैसा लग रहा है, तो उसको आप ये मान के ना क्रीम में लगाते रहें काफी महीनों तक कि अरे तो एक्जिमा होगा, उसे आप जरूर चेक करा लें. मतलब कि खुद घरेलू इलाज ढूंढने की कोशिश ना करें, अगर ऐसी उनको कोई भी चीज मिलती है जो आमतौर पर नहीं है, स्वाभाविक नहीं लगती, पहले नहीं थी, अब है, बजाय इसके कि खुद वो हकीम बन जाए, उनको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए जी. जी जी. और रेयरली पेन हो सकती है. आमतौर पर ब्रेस्ट कैंसर में पेन बहुत लेट जाकर होती है, लेकिन अगर पेन है तो ऑब्वियसली काफी विमेन को पीरियड्स के आसपास कई बार ब्रेस्ट में पेन, जिसे हम लोग एक कंडीशन होती है मैस्टाल्जिया कहते हैं. मैस्टाल्जिया सिंपली मीन्स की पेन इन द ब्रेस्ट.
वो उसका भी कैंसर से आम तौर पर कोई लेना देना नहीं होता, वो एक अलग बीमारी होती है। लेकिन अगर ये ज़्यादा परेशान कर रही है तो एक बार फिर आपको चेक करा लेना ज़्यादा है, बेटर है। जब ये कैंसर फैलता है तो सबसे पहले ये आर्म पिट्स में, एक्सिला में, बगल में जो कांटे होती हैं उनमें जाता है। तो अगर आपको कोई स्वेलिंग या लंप बगल में मिल रहा है अपने आर्म पिट में, तो जाहिर है कि आपको फिर अगेन डॉक्टर को जल्दी दिखाना चाहिए ताकि आप उसे चेक कर सकें। तो जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर क्या करेंगे, आमतौर पर अगर आप दिखाएंगे तो डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा, आपके ब्रेस्ट से एग्जामिन करेगा, आपकी आर्म पिट्स आपकी बगल में एग्जामिन करेगा, देखेगा कि उसमें कोई गांठ तो नहीं है। और अगर उन्हें लगेगा कि ये कैंसर हो सकता है, शक होता है, तो फिर आपके डॉक्टर आपको स्पेशलिस्ट को रेफर करेंगे। ये हम लोग बहुत अर्जेंट रेफरल करते हैं, जिसे हम 2 वीक वेट कहते हैं, और आमतौर पर आपका अपॉइंटमेंट 2 हफ्ते के अंदर अंदर हॉस्पिटल से आ जाएगा। और फिर आप हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पर अगेन डॉक्टर आपको चेक करेंगे, हो सकता है आपका एक मैमोग्राम करें जो कि एक ब्रेस्ट का एक्सरे होता है, वो कर सकते हैं, या अल्ट्रासाउंड स्कैन कर सकते हैं, या और कोई स्कैनिंग MRI स्कैन भी कर सकते हैं। अगर वहाँ पर डॉक्टर को लगता है कि ये कैंसर हो सकता है तो आप बायोप्सी निकाल सकते हैं, छोटा सा पीस निकाल कर उसे माइक्रोस्कोप के अंदर रख के चेक कर सकते हैं कि ये कैंसर सेल है कि नॉर्मल सेल है, बायोप्सी की जा सकती है। और अगर पर एक सवाल है, मैं समझ आती हूँ आपको फिर से रोक रही हूँ, और यहाँ ये सवाल पूछना भी इसलिए जरूरी हो जाता है, जैसे अभी आपने कहा कि डॉक्टर जो है वो चेक करेगा जी, तो कुछ महिलाएं अगर वो नहीं सहज महसूस करती हैं तो वो फीमेल डॉक्टर के लिए इंसिस्ट कर सकती जी, मैं कहेगा आमतौर पर कहना नहीं चाहिए, बड़ा सेक्सिस्ट है ये कि मैं कह रहा हूँ डॉक्टर कहेगा, डॉक्टर लेडी डॉक्टर भी हो सकती है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हैं या आपको किसी मेल डॉक्टर को दिखाने में प्रॉब्लम है, तो आपकी सर्जरी के ऊपर है, अगर उसमें फीमेल डॉक्टर्स हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे फीमेल डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट दिया जाए। कुछ सर्जरीज हैं ऐसी जहाँ पर लेडी डॉक्टर है ही नहीं, सिर्फ मेल डॉक्टर ही है, तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा, आप अपने साथ किसी और लेडी को ले जा सकती हैं, या आप हर सर्जरी में कभी भी, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के लिए नहीं, कभी भी आपको ये हक है, राइट है कि आप शेपरॉन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि डॉक्टर अकेला आपको एग्जामिन ना करे, आपके चाहे वो लेडी डॉक्टर हो, वो लेडी को एग्जामिन कर रही हो, या जेंट्स को, या जेंट डॉक्टर हो वो लेडी या जेंट, किसी को भी एग्जामिन कर रहा हो। क्योंकि एक ऐसा सवाल मुझे लगा कि बहुत जरूरी है कि ये पूछ लिया जाए, क्योंकि हमारे लोगों में खासतौर पर ज्यादा चीज ये होती है कि पुरुषों के करीब जाना जो है बहुत सी बातें हो सकती हैं जी, तो असहज भी इंसान हो सकता है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं तो आप लेडी डॉक्टर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप शेपरॉन रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर्जरी में, आप अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को साथ ले जा सकते हैं, वो शेपरॉन बन सकते हैं, या डॉक्टर्स ज्यादा ये प्रिफर करते हैं कि उनका स्टाफ कोई शेपरॉन बने, तो वो किसी नर्स को या रिसेप्शनिस्ट को, किसी को बुला लेते हैं जो वहाँ खड़े रहते हैं आपके साथ, पर्दे के बाहर नहीं, पर्दे के अंदर, बाहर तो कोई फायदा नहीं हुआ, पर्दे के अंदर आपके साथ खड़े रहते हैं। जब डॉक्टर एग्जामिन करता है तो आपको थोड़ा सा माइंड में रहता है कि कोई एक और लेडी हमारे पास है, या अगर जेंट्स का एग्जामिनेशन होगा तो जेंट्स जो भी, तो ये आपका हक है, आप मान सकते हैं। नहीं, क्योंकि ये सवाल मुझे लगा कि जरूरी है तो पूछ लिया जाए, क्योंकि बहुत सी महिलाएं सिर्फ इसी झिझक के चलते भी सामने नहीं आती। नहीं, ये थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया, कैंसर अपने आप में एक बहुत खतरनाक ब्रेस्ट कैंसर बीमारी है, अगर जल्दी पकड़ में आ जाए तो उसका बहुत अच्छा इलाज संभव है। ये उन कैंसर्स में से है जिनके ऊपर काफ़ी रिसर्च की गई है, और बहुत अच्छी दवाइयाँ, उसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट आए हैं, लेकिन वो काम तभी करते हैं जब उन्हें जल्दी शुरू किया जाए। अगर आप बहुत लेट शुरू करेंगे और वो सब जगह जगह ग्लैंड्स में या शरीर के दूसरों हिस्सों में फैल चुका है, तो अगर लेडीज को कोई गांठ फील होती है, या उन्हें निपल में कोई डिफरेंट लगता है, या ब्रेस्ट के शेप में कोई डिफरेंट है, या कोई ब्लड आ रहा है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो उन्हें इस हिचक में नहीं रहना चाहिए कि मैं नहीं बताऊं, क्योंकि अपनी जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं लेडी डॉक्टर के लिए, लेकिन अगर वो संभव नहीं है, किसी सर्जरी में लेडी डॉक्टर नहीं है, या वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए छुट्टी पे गए हैं, तब आपको ये डिसीजन लेना है कि आप कैंसर का डायग्नोसिस 2-3 हफ्ते आप डिले करना चाहते हैं, या अपनी सहनशीलता से थोड़ा सा हिम्मत करके मेल डॉक्टर से भी चेक करा सकते हैं जी। क्योंकि डॉक्टर एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर है, पर ये जो है अब यहाँ पर चले, एटलीस्ट बहुत सी महिलाओं को इससे ये भी पता चल गया है कि वो रिक्वेस्ट कर सकती हैं, और अगर महिला डॉक्टर ना मौजूद हो तो ऐसे में क्या ऑप्शन है। सो थैंक यू फॉर दैट एज वेल जी। अब आगे बढ़ते हैं जी। तो मैं बता रहा था कि आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पर बायोप्सी की जा सकती है, और अगर लगता है कि कैंसर हो सकता है ये या हो रहा है,
तो फिर हॉस्पिटल डॉक्टर साहब के और टेस्ट करते हैं, खासतौर पर ये पता लगाने के लिए कि ये कितना बढ़ा है या कितना नहीं बढ़ा है, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं और दूसरे स्कैन वगैरह होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि निकलता है कि जो ये गांठ थी या जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी सिम्टम्स आपको हो रहे थे वो कैंसर की वजह से हैं, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? ब्रेस्ट कैंसर जैसा कि मैंने बताया उन कैंसर्स में से है जिनका काफ़ी अच्छा इलाज मौजूद है, हो चुका है, अगर खासतौर पर जल्दी पकड़ में आ जाए। तो मेन ट्रीटमेंट जो होते हैं वो न सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर में बल्कि किसी भी कैंसर में सर्जरी है, ऑपरेशन। तो आपका जो जितना कैंसर वाला हिस्सा है वो स्कैन वगैरह से पता लगा लिया जाता है कि कितना है, कहाँ तक फैला है, और फिर उसके हिसाब से उसका ऑपरेशन किया जा सकता है। आपको कीमोथेरेपी दी जा सकती है, कीमोथेरेपी माने दवाइयाँ होती हैं जो आपको टैबलेट्स या कैप्सूल मुँह से आप खा सकते हैं या इंजेक्शन से दिए जा सकते हैं। रेडियोथेरेपी होती है जिसमें रेज किरणें आपको दी जाती हैं, एक्सरेज या डिफरेंट टाइप की, और उनसे उन सेल्स को मारने की कोशिश की जाती है। और ब्रेस्ट कैंसर में जो कि यह हार्मोन से रिलेटेड होता है और तो पता लगाया जाता है कि हार्मोन रिलेटेड है कि नहीं, अगर है तो आपको हार्मोन थेरेपी भी दी जा सकती है, हार्मोन ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, और इनका कॉम्बिनेशन दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ की जाएगी, तो आमतौर पर दो या ज़्यादा चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। तो हो सकता है कि आपका अगर जिसको मरीज़ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है उसको पहले सर्जरी की जाए और उसके बाद उन्हें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी भी दी जाए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट मिला जुला कर ये ट्रीटमेंट किए जाते हैं जी। तो मैं इंडिविजुअल ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहता हूँ। कई तरह की डिफरेंट सर्जरी होती है, कई तरह की हार्मोन ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का ब्रेस्ट कैंसर है। जैसे मैंने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर भी अपने आप में एक बीमारी नहीं है, उसमें भी कई तरह के डिफरेंट बीमारियां होती हैं। तो इस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कैंसर है, कितना फैल चुका है, और फिर स्पेशलिस्ट आपका हॉस्पिटल में और आप बैठ के डिस्कस करते हैं कि इस ट्रीटमेंट का ये रिस्क हो सकता है, इस ट्रीटमेंट से ये फ़ायदा है, इसके कितने परसेंट चांसेस हैं, और फिर डिसीजन लिया जाता है कि आपका ये प्लान बनेगा, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। प्रोग्नोसिस क्या है कि आउटलुक क्या है, आगे क्या होगा? पिछले जैसा कि मैंने बताया कि पिछले सालों में काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च हुई है, और जो पहले तो ये होता था कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो ऑपरेशन से जितना निकल जाए नहीं तो फिर फैलना और बढ़ना ही है उसमें और आगे फिर अल्टीमेटली डेथ। लेकिन पिछले 30-40 सालों में काफ़ी नई दवाइयां आई हैं जिसकी वजह से इसका आउटलुक जो प्रोग्नोसिस है काफ़ी बेटर हो गई है, काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। लेकिन अगेन बार बार मैं कहूँगा कि जितना जल्दी ये समझ में आएगा उतना बेटर उसका इलाज हो सकता है। तो इसको रोका कैसे जाए? प्रिवेंशन जैसे कि कहा जाता है इज़ बेटर देन क्योर। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जल्दी ना हो, या तो और अगर हो तो जल्दी पकड़ में आ जाए? तो एक तो जैसा मैंने पहले बताया कुछ एविडेंस है, थोड़ा सा रिसर्च हुई है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें तो ये रिस्क कम है, अप टू 1/3, तो आपका रिस्क जो है 3 में से 1 तक कम हो सकता है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। तो खास तौर पर मेनोपॉज के बाद ये बहुत ज़रूरी है, जब आपके पीरियड्स बंद हो गए हैं 50 साल के आसपास या जब जितनी भी उम्र में, कि आप उसके बाद ओवरवेट ना हो, ओबीज ना हो। तो जितना ज़्यादा ओबीज होंगे उतना ज़्यादा ईस्ट्रोजन जो मेल हार्मोन है वो सिक्रीट होता है और जिससे हार्मोन का रिस्क बढ़ता है। जैसा मैंने बताया वो लेडीज़ जिन्होंने बच्चों को दूध पिलाया है और जितनी देर तक, ज़्यादा देर तक पिलाया है उनको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना कम होती है। तो जिनके बच्चे हैं उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए, बच्चों के लिए तो अच्छा है ही, उनके लिए भी अच्छा है कि आगे चलकर उन्हें ब्रेस्ट कैंसर कम होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्रेस्ट अवेयर होना, जैसा कि मैं पहले कह रहा था, तो हर लेडी को पता होना चाहिए कि वो फील करें अगर अपने ब्रेस्ट को, न सिर्फ देखने में बल्कि फील करने में, उनके ब्रेस्ट की फीलिंग कैसी है, उसमें कहाँ कहाँ पर कौन सी गांठें हैं, उसकी कितनी लंपीनेस है, क्योंकि कुछ लंपीनेस कुछ गांठें नेचुरल होती हैं और अगर वो बदलती हैं, चेंज होती हैं, तब आपको अपने डॉक्टर को जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए जी। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से स्क्रीनिंग भी चल रही है। तो स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि हम नॉर्मल लोगों को पकड़ें, उन्हें चेक करें कि उनको ये बीमारी तो नहीं हो रही है। तो यूके में 50 से 70 साल की उम्र की लेडीज़ को हर 3 साल पर मैमोग्राफी के लिए बुलाया जाता है। मैमोग्राफी यानी एक स्पेशल तरह का एक्सरे होता है ब्रेस्ट का, और अगर कोई कैंसर बन रहा होता है तो वो उसमें जल्दी पकड़ा जाता है
अगर वो जल्दी से जल्दी पकड़ आ जाएगा तो ऑब्वियसली है कि उसका उसका ट्रीटमेंट जल्दी हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। तो ये 50 से 70 साल अगर किसी लेडी की उम्र है तो उनके पास ऑटोमेटिकली पोस्ट में ये इन्विटेशन आएगा कि आप जाइए और मैमोग्राफी कराइए। हम लोग, मैंने देखा है कई लोग क्या करते हैं, ऐसा कोई लेटर आता है स्क्रीनिंग का और वो उसको ध्यान नहीं देते हैं, उसे वो बिन में डाल देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लेडीज़ को थोड़ा ये भी लगता है, हिचक लगती है कि मैं एक्सरे डिपार्टमेंट में जाऊँ, मुझे कपड़े उतारने पड़ेंगे, ब्रेस्ट का एक्सरे कराना पड़ेगा, तो उसे आप लाइटली ना लें, जरूर कराएं। गवर्नमेंट धीरे धीरे इसको और बढ़ा रही है, तो ये 20 साल के बजाय 50 से 70 उसको 26 साल करने जा रहे हैं, तो 47 साल से ही शुरू कर देंगे और 73 इयर्स तक करने की उम्मीद है। तो हर 3 साल, एक बार नहीं कि एक बार हो गया तो बस ठीक है, एवरी 3 इयर्स हर 3 साल में आपको जाना जरूरी होगा। तो ये इसको प्रिवेंट करने के तरीके हैं और ये ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। और अब हमारे पास जो आखिरी कुछ पल हैं यहाँ पर राउंड ऑफ करने के लिए, हम क्या कहेंगे अपने श्रोताओं को? कॉमन बातें जो हर बार कही जाती हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल। तो अगर आप अपना वजन नहीं बढ़ने देते हैं, आपकी डाइट अच्छी है, तो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना कम है। आपको इन्फॉर्मेशन इज अ टूल, इन्फॉर्मेशन जितनी आपको इसके बारे में पता हो उतना अच्छा है। आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं, कुछ वीडियोस हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे किया जाए। अगर आपको हिचक होती है, आप नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपनी सर्जरी में अपनी नर्स से, कुछ नर्सें हैं जो आपको सिखा सकती हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे किया जाए ब्रेस्ट का, तो ताकि आप सीख लें कि मैं कैसे चेक करना है, और फिर आप हर महीने अपने को चेक करें कि कोई गांठ तो नहीं बन रही है। जी, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यही है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है, बहुत सी बीमारी, ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर को बल्कि मोटापे से और ओवर वेट होने से, जैसा कि हम लोग पहले कई बार बात कर चुके हैं, हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा है, स्ट्रोक होने का रिस्क ज़्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क ज़्यादा है, डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा है। तो अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं और अपने वेट को कंट्रोल रखते हैं, तो जाहिर है कि इसको बचाया जा सकता है। थैंक यू सो मच। एंड जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, इतनी सारी जानकारी आपने दी है, एक मिनट है हमारे पास, तो अब एक बार उस टॉपिक को भी थोड़ा सा, उस बात को, बल्कि टॉपिक को नहीं, उस बात को ज़रा सा हम छेड़ लें, जहाँ पर अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे ये सवाल किया था कि जैसे कुछ महिलाओं में, खासतौर पर हमारी महिलाओं में झिझक होती है कि एग्जामिनेशन के लिए मेल डॉक्टर से मिलने में उन्हें हिचक होती है, झिझक कुछ भी कह लें, तो इसके चलते उनको खुद को रोकना नहीं है, वो लेडी डॉक्टर की जो है रिक्वेस्ट कर सकती हैं, और अगर वो ना हो सके तो ऐसे में किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी का वो कर सकती जी, या तो अपने साथ अपने किसी फैमिली मेंबर को ले जा सकती हैं जो वहाँ पर मौजूद रह सकता है एग्जामिनेशन के टाइम पे, या आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी को बुला लें, शेफ्रॉन कहते हैं उसे अंग्रेजी में, तो आपको यह हक होता है। बल्कि आपने देखा होगा अधिकतर सर्जरीज में पोस्टर लगा होता है कि अगर आपको शेफ्रॉन चाहिए, आप अकेले नहीं एग्जामिनेशन कराना चाहते हैं, तो आप बुला सकते हैं, तो कोई नर्स या रिसेप्शनिस्ट फीमेल या मेल कोई भी हो सकता है, तो वो आपके साथ आकर खड़े हो सकते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ दो लोग हैं। तो बट सिर्फ इस एक चीज के चलते जो है वो अपनी सेहत को जो है उसके साथ समझौता ना करें और उसे निग्लेक्ट ना करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर को भगवान का रूप भी माना जाता है, तो वो ये भी मानकर चल सकती हैं क्योंकि डॉक्टर जो है वो जीवन देता है। तो इसीलिए तमाम हिचक वगैरह जो है, माना कि हमारे लोगों में बहुत होता है, खासतौर पर महिलाओं में, और कुछ बहुत से कारण हैं, खैर उस तरफ नहीं जाएंगे। अब कम हो रहा है अमर जी, मैंने भी देखा है कि काफी कम है, तो कुछ लेडीज रिक्वेस्ट करती हैं, मैं भी, मेरे पास भी आती हैं, तो उसे रिक्वेस्ट मैं बात करती हैं, तो मैं कहता हूँ मुझे एग्जामिन करना पड़ेगा आपको, तो अधिकतर लेडीज को आजकल प्रॉब्लम नहीं होती है एक्चुअली, और ये कम होता है कि वो कह दें कि नहीं नहीं मैं आपसे एग्जामिन नहीं कराऊंगी, मुझे लेडी डॉक्टर ही चाहिए। तो मेरी सर्जरी में है लेडी डॉक्टर, तो हम उनको ऑफर कर देते हैं लेडी डॉक्टर का, लेकिन बहुत सी सर्जरीज हैं जहाँ पर लेडी डॉक्टर नहीं भी हैं, सिर्फ मेल डॉक्टर्स हैं, या जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है लेडी डॉक्टर छुट्टी पर गई है दो हफ्ते तीन हफ्ते के लिए, तो आप कितना डिले कर सकते हैं। पर कुछ घरों में ये भी होता है कि उस घर के पुरुष नहीं चाहते कि उनके घर की औरत को कोई मर्द हाथ लगाए। जी है, ऐसा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्हें सिर्फ एक मर्द नजर आता है, लेकिन ऐसा बहुत कम, धीरे धीरे ये बात कम हो रही है। तो हमारे यहाँ भी, मेरी अपनी प्रैक्टिस में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कि नहीं एग्जामिन करना जरूरी है और लेडी डॉक्टर नहीं है, तो बहुत कम ऐसा हुआ है कि उन्होंने बिल्कुल फिर भी मना कर दिया। तो बस हम उनसे भी यही कहना चाहेंगे कि आप उस समय मर्द ना देखें, उस समय डॉक्टर को वही चीज मानकर चलें
कि डॉक्टर को भगवान का भी रूप माना जाता है क्योंकि डॉक्टर जीवन देता है, और ऐसे में बस ये हिचक वगैरह जो है उसके चलते कहीं सेहत के साथ समझौता करते करते बहुत देर ना हो जाए। जी तो मुझे लगा कि एक बात भी बहुत ज़रूरी है कि उनको ये भी गुजारिश उनसे कर ली जाए कि डॉक्टर को आप सिर्फ एक डॉक्टर मानकर चलें, क्योंकि ये भी कहते हैं ना कि डॉक्टर से कभी कुछ छिपाना जी जी आप जी एक तो इन्फॉर्मेशन है, हम लोग कोई भी इलाज करते हैं या डायग्नोसिस करते हैं तो उसी पे है कि आपने हमें क्या बताया है, अगर आप हमें गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपका डायग्नोसिस भी गलत हो सकता है। चलिए थैंक यू सो मच, और अब समाचारों का वक्त जो है बहुत ही करीब है, कुछ ही सेकंड रह गए हैं। अगले हफ्ते का जो विषय है वो आप प्रोमोज में सुन पाइएगा या मैं आपको अगले भाग में बताती हूँ कि अगले हफ्ते का विषय क्या है, लेकिन इस समय मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी सारी जानकारी दी है। और अगर आपने कुछ मिस कर दिया हो ऑनलाइन जा सकते हैं या यूट्यूब पे जा सकते हैं, और अब मेरी आपकी मुलाकात होती है न्यूज़ के बाद। एंड वंस अगेन डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, यू हैव अ लवली डे एंड सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू अंबर जी, थैंक्स फॉर योर टाइम, मिलते हैं न्यूज़ के बाद।